जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है गया का। दोस्तों, गया का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गया ARO का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, उसकी इंडियन आर्मी की बहाली की डेट आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो की इस गया की नोटिफिकेशन पूरी जानकारी अपने इस वीडियो पर दूंगा। पहले वीडियो स्टार्ट करें तो पहले आपको कहना चाहूँगा, दोस्तों देखो, धीरे धीरे मैंने आपको सभी को बोला था कि हर दो तीन एक दिन के बाद हर किसी ARO का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही अभी बोल रहा हूँ और पहले ही बोला था कि देखो, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सभी का नोटिफिकेशन आना चालू हो चुका है। क्योंकि बहुत सी भर्तियाँ पोस्टपोन हो चुकी थी, आपको पता है, और COVID-19 चलते बहुत सी भर्तियाँ नहीं आई हुई थी, अब वो भर्ती आना चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, सभी का, कटिहार का, गया का और एक और नोटिफिकेशन है, तीनों का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं गया का दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि गया का नोटिफिकेशन अभी टॉप पर है, वो अभी आया हुआ है, तो मैं अभी आपको इसको दिखा रहा हूं। दोस्तों, गया का नोटिफिकेशन है, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं। दोस्तों, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये नोट फेक नहीं, रियल है करके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, पूरी रियल वीडियो लेकर आता हूँ, और मुझे तुमको गुमराह करने की कोई वो नहीं है यार। मैं खुद इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ, मैं जबलपुर ARO में आता हूँ, आप कभी भी देख लेना, जबलपुर ARO है करके। तो दोस्तों, मैं इंडियन आर्मी के पेपर भी लेकर आता हूँ, जो कि आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है करके। मैं GD क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेडमैन सबके पेपर लेकर आऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आपको शेड्यूल पता चल जाएगा किस टाइप का पेपर आता है करके। चलिए दोस्तों, मैं गया ARO का नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हो, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर मैन के लिए है। गया का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जारी हुआ है ARO की तरफ से। दोस्तों, अब मैं इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट मांगा हुआ है। इसमें डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहला नंबर पर आपको दिया हुआ है अरवाल डिस्ट्रिक्ट, फिर है औरंगाबाद, फिर गया, जमुई, फिर जहानाबाद है, कैमूर है, लखीसराय है, और नालंदा है, नवाड़ा है, और रोहतास, और शेखपुरा। ये इतने ज़िले को आपको गया ARO में आपका मांगा गया है। इतने डिस्ट्रिक्ट आप गया ARO में जा सकते हो। इस डिस्ट्रिक्ट से जो जो बिलोंग करता है, जो जो इस ज़िले के अंतर्गत आता है, वो लोग गया की ARO की भर्ती में जा सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसकी ओपन डेट की, कब स्टार्ट होना है इसका रजिस्ट्रेशन, इस कब स्टार्ट होना। दोस्तों, 20 दिसंबर से 2 फरवरी तक इसका फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा, और इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। जब एडमिट कार्ड दोस्तों 15 दिन पहले ही आपको जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख रहे हो। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दी दोस्तों, 20 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, और 2 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट भी आपको पता है, 2 फरवरी तक होगी, और एडमिट कार्ड भी 15 दिनों के अंदर में आपका आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको इसमें बात करता हूँ अब कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले आपको दोस्तों इसमें जनरल ड्यूटी की पोस्ट देखने को मिलेगी, और आपको, आप सभी को पता है कि जनरल ड्यूटी में 17.5 से 21 ईयर तक आपकी एज होनी जरूरी है। और दोस्तों, जब जो एज है वो आपकी कब से काउंट की जाएगी, 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी एज काउंट की जाएगी। और दोस्तों, आपकी इसमें हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया है, 169 सेंटीमीटर रखा गया है। वेट अभी इसमें नहीं दिया गया है, वेट आपका उसके हिसाब से रहेगा, क्योंकि गया कटिहार का इसमें वेज नहीं दिया गया है। अब हम बात करें चेस्ट की, तो दोस्तों आपका चेस्ट नॉर्मल 77 होना चाहिए, प्लस 5 आपका इंप्रेशन होना जरूरी है। अब हम बात करें दोस्तों सेकंड जो है वो है सोल्जर टेक्निकल में दोस्तों आपकी जो एज होनी चाहिए 17.5 से 23 ईयर तक होनी चाहिए, जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच आपकी एज जो काउंट की जाएगी, और जो आपकी हाइट है दोस्तों वो 169 सेंटीमीटर रहेगी, और चेस्ट जो है आपका पहले जैसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग की, दोस्तों इसमें आपकी एज है पहले जैसी ही 17.5 से 23 ईयर तक, और जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1997 से 2003 तक काउंट की जाएगी, हाइट 169 से, और चेस्ट भी पहले जैसा है। हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन, हाउसकीपर जो दोस्तों, उसमें आपकी एज जो रहेगी 17.5 से 23 ईयर तक रहेगी, आपकी एज काउंट की जाएगी 1997 से 2003 के बीच एज काउंट की जाएगी, और आपकी हाइट जो रहेगी इसमें कम मांगा है दोस्तों, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो आपका चेस्ट है 77+5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको इसमें छूट भी दी गई है, यदि आपका फादर या ब्रदर को आर्मी में होगा, तो देखिए इसमें आपको छूट दी गई है, आपको वेट में, हाइट में, चेस्ट में, सभी में छूट दी गई है। तो ये जानकारी है दोस्तों ARO गया की। और दोस्तों, इसमें हम ग्राउंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप 5.30 सेकंड में यदि ग्राउंड क्वालिफाई करते हो, तो आपको फर्स्ट ग्रुप पर रखा जाएगा और आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि दोस्तों आप 5.45 सेकंड में यदि ग्राउंड क्वालिफाई करते हो, दोस्तों आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा और आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों, आप जो बीम मारते हो उसके हिसाब से आपका आपको नंबर दिए जाएंगे, 10 बीम के 40, 9 बीम के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप 10 में 10 बीम मारें और फर्स्ट ग्रुप में ग्राउंड क्वालिफाई करें, जिसमें आप 60 अंक मिले, आप सभी एक्सीलेंट मारें,
और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो पहले बना के दे दी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे जाते हैं करके। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे दूँ, यदि आपके पास नंबर पहला NCC का सर्टिफिकेट होगा या नंबर दूसरा स्पोर्ट्स का, यदि स्पोर्ट्स का और NCC का सर्टिफिकेट होगा तो प्लीज़ आप लेकर जाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को इसमें यदि आप NCC में हो तो आपको छूट मिलती है, यदि स्पोर्ट कोटा से भी तो आपको बहुत सी छूट दी जाती है। दोस्तों ये पूरा ARO का पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने आपको दिखाया हूँ, ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप इसकी यदि रियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप indianarmy.in/government.in की वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप सभी का मैंने पहले भी गिना दिया, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपकी ID प्रूफ होती है सब, दोस्तों इन सभी में आपका एक सा नाम होना चाहिए, कोई भी नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी गया ARO के बारे में, और भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आता हूँ आऊँगा, जो जो ARO की भर्ती निकली हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मैं जल्दी एक और बहाली की नोटिफिकेशन लेकर आने वाला हूँ, आप तैयारियाँ करिए, क्योंकि बहाली एक के बाद एक बैक टू बैक देखने को मिल रही है।